17 अक्टूबर को माता कलिसिया अंताकिया का संत इग्नेशियस का पर्व मनाती है। अंताकिया के संत इग्नेशियस प्रारंभिक कलिसिया के महान धर्माध्यक्ष एवं शहीद थे, जो प्रभु यीशु में अपने दृढ़ विश्वास एवं प्रेम को त्यागने की अपेक्षा खूंखार जंगली पशुओं के सामने फेंके जाने और अपने प्रभु के लिए रक्त बहाकर उनके साक्षी बनने के लिए सहर्ष तैयार हुए। इग्नेशियस का जन्म सन 45 ईस्वी के आसपास सीरिया में हुआ। प्रभु के प्रिय शिष्य एवं सुसमाचार लेखक प्रेरित संत योवन से क्रिस्त के सुसमाचार की ज्योति पाकर वे क्रिस्तीय बन गए। साथ ही वे संत योहन के प्रिय शिष्य बन गए और संत योहन के द्वारा अंताकिया के धर्माध्यक्ष अभिषिक्त हुए। उन दिनों रोमी साम्राज्य इटली एवं पूरे यूरोप तथा एशिया माइनर तक भी विस्तृत था और रोम के सम्राट ईसाइयों पर घोर अत्याचार करते थे, क्योंकि वे रोमी देवताओं की पूजा करने से इनकार करते थे। सन 94 से 96 तक सम्राट डोमिशियन के शासनकाल में ईसाइयों को अति भयंकर सतावट का सामना करना पड़ा। तब क्रिस्त के वीर योद्धा धर्माध्यक्ष इग्नेशियस ने निरंतर प्रार्थना और अथक परिश्रम करते हुए अपने विश्वासियों के हृदयों में ईश्वर पर विश्वास को दृढ़ बनाए रखने और धैर्यवान बने रहने के लिए अपने प्रवचन के द्वारा उन्हें प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया। डोमिशियन के पश्चात सम्राट ट्राजन ने भी क्रिस्तियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तब भी क्रिस्तियों के वीर इग्नेशियस अपने जीवन और वचन से अंताकिया के कलीसिया के निर्भीक अगुआ बने रहे। वह कहते थे, क्रिस्त केवल अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि वह ईश्वर का है और उसे ईश्वर के लिए जीना है। सन 107 में सम्राट के आदेश के उल्लंघन के कारण इग्नेशियस को बंदी बनाकर सम्राट ट्राजन के सम्मुख लाया गया, जो उन दिनों अंताकिया में थे। सम्राट ने उनसे कहा, तुम नीच दुष्टात्मा हो, तुम मेरे आदेश का विरोध करते हो। सम्राट के इन अपमानजनक बातों के उत्तर में इग्नेशियस ने निडरता से कहा, आप मुझे नीच व दुष्टात्मा ना कहें, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे साथ है। यह सुनकर ट्राजन बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने आदेश दिया कि इग्नेशियस को बंदी के रूप में रोम भेजा जाए। वहां नगर के आंकड़े में उन्हें जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाए। संत के कुछ प्रमुख परामर्श ये थे, अन्याय को भी धैर्य से सहना सच्चे क्रिस्तीय का लक्षण है। हमारे छोटे से छोटे काम को भी यदि प्रभु और ईसा मसीह से संयुक्त होकर किया जाए तो ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें प्रभु और यीशु का हर क्षण अपने हृदय मंदिर में बसाए रखना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में दुख कष्टों को भी प्रेम के खातिर धैर्यपूर्वक सहें और क्रूस से प्रेम करना सीखें। इस प्रकार हम प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बने। प्रभु यीशु में अपने विश्वास के कारण मृत्यु का स्वागत करने के लिए इग्नेशियस बहुत उत्साहपूर्वक तैयार थे और रोम के आंकड़े में प्रवेश करते ही उन्होंने अश्वपूर्वक कहा, मैं प्रभु के गेहूं का दाना हूं और मुझे शेरों के दांतों तले पीसा जाना चाहिए। सिपाहियों ने उन्हें आंकड़े में खड़ा कर दिया। तब दो खूंखार शेरों को उन पर छोड़ दिया गया। कई दिनों से भूखे शेर उन पर टूट पड़े और उनके शरीर को चीर फाड़ कर कुछ ही क्षणों में खा गए। रक्त की तीव्र धारा बाहर निकली और केवल उनकी हड्डियाँ बची रहीं। इस प्रकार संत धर्माध्यक्ष इग्नेशियस की प्रार्थना पूर्ण हो गई और उनकी निर्मल आत्मा सीधे अपने प्रभु के चरणों में उनके साथ महिमान्वित होकर अनंत आनंद मनाने पहुँच गई। अंताकिया के भक्त विश्वासीगण उनके पवित्र अवशेष एकत्र कर अंताकिया ले गए और वहाँ बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें कब्र में रखा गया। तब से वहाँ प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को संत इग्नेशियस का पर्व मनाया जाता है, जो अब सारी कलीसिया में प्रचलित हो गई है।